आई एम सो सॉरी, इससे कुछ नहीं होने वाला है, तो आपको अपने ब्लोटिंग और डाइजेशन। हे एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद आज फिर से मैं शूट कर रही हूँ। ओके, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग कंप्लीटली हेल्थ। सो आप लोगों को मेरा वेट गेन ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो तो आपने देख चुका होगा, एंड हाउ वाज माय जर्नी, इट वाज रियली ग्रेट, एक्साइटिंग एंड आल्सो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग भी था। तो यस, यू कैन सी माय फोटो, हाउ आई ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दिस टू दिस। दिस वाज माय ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस वाज सो एपिक। विद इन 1.5 मंथ, 1.5 महीने के अंदर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करा था। सो अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, एंड आई थॉट अबाउट कि मैं आपको थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूँ फॉर वेट गेनिंग, एंड ऑल्सो आई एम ऑल्सो अबाउट टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग। सो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू, इफ यू हैवन लाइक देन सब्सक्राइब द चैनल, जस्ट डू इट राइट नाउ, ओके? तो आपको भी रिग्रेट ना हो और मुझे भी खुशी हो। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। गर्मियाँ आ चुकी हैं और अब देर तक सोने वाला जो प्लान था ना मेरा, वो अब रुक जाएगा, बिकॉज वैसे भी आई लव विंटर्स। विंटर्स में नींद भी अच्छी आती है, और समर आते आते इट इज़ लाइक कि 7-8 बजे तक जैसे तैसे नींद खुल जाती है। तो दिस इज़ ग्रेट टाइम कि मैं सुबह सुबह अपना जिम ज्वाइन करूँ। सो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। सो मैंने सोचा उसके एक दिन पहले मैं थोड़ी डिटेल्स आपको दे दूँ। सो गाइस सी, जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वेट गेन प्रोसेस में, जब वो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, सो दे स्टार्ट फेसिंग लाइक ब्लोटिंग और इनडाइजेशन काइंड ऑफ इशू। सो उसके लिए ना आप खाओ और बहुत ज़्यादा इनटेक करो, उससे अच्छा है पहले। लाइक आई टेल यू एवरी टाइम की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी या फिर मेरी जर्नी इतनी ज़्यादा ईजी नहीं थी, इट वॉज वेरी वेरी टफ फॉर मी ऑल्सो। सो हम कहाँ थे, ओके? तो पहली चीज़ तो आपको अपने ब्लोटिंग और डाइजेशन पे अच्छे से ध्यान दो। सुबह सुबह आप खाली पेट लाइक जिंजर टी हो गया, नॉर्मल सा ओके, ग्रीन टी हो गए, या अजवाइन होता है, अजवाइन भिगो के उसका पानी, या फिर किशमिश होता है ओके, उसके भिगो कर उसका पानी आप खाली पेट इनटेक करोगे ना डेली, इट विल हेल्प यू, जो कि आपको डाइजेशन में बहुत बहुत अच्छा से इशू, मतलब लाइक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। एंड दिस आर होम रेमेडीज, ठीक है? ये मेडिकेशन टाइप चीज़ें मैं नहीं बता रही हूँ, मैं मेडिकेशन वाली चीज़ें बहुत ही कम रिकमेंड करती हूँ। तो आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती है, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूँगी। नेक्स्ट, अगर आप मेडिसिन चाहते हो तो एंजाइम टैबलेट्स या एंजाइम सीरप्स आते हैं, आप जाके फार्मास्यूटिकल स्टोर से ले सकते हो। सो आप ये करो। नेक्स्ट थिंग जो है वो हाइड्रेशन, विच इज़ वेरी वेरी मस्ट। हाइड्रेट करो अपने बॉडी को, दिन भर में एटलीस्ट 5 to 6 लीटर पानी तो पियो ही, कैसे भी करके पियो, उससे ज़्यादा पी सकते तो और बढ़िया। लाइक हाईएस्ट हमें 8 से 9 लीटर पीना पड़ता है जितनी ज़्यादा गर्मी हो, बट आप अभी मार्च है तो मार्च स्टार्टिंग में आप 4 से 5 लीटर से स्टार्टिंग कर सकते हो। मॉर्निंग मॉर्निंग भी अच्छे से पानी पियो, ये सब रूट है। आप ये सब करोगे ना, तो आप जब डाइट फॉर दैट, जब आप अपना डाइट लोगे या फिर कोई लाइक पता है पतले लोग ज़्यादा इनटेक नहीं कर पाते हैं चीज़ें, तो आप जब ज़्यादा प्रोटीन वगैरह की चीज़ें इनटेक करोगे ना, तो वो आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी में डाइजेशन करने को, एब्जॉर्बेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। सो इसलिए मैं कह रही हूँ ये बेसिक चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन द थर्ड पार्ट। और बहुत लोग कहते हैं कि वेट गेन एक्सरसाइजेस जो होते हैं आप बताओ। सी गाइस, मैंने आप पहले भी बताया था, अभी भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देर इज़ नथिंग लाइक वेट गेन एक्सरसाइज। वेट गेन के नाम से कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। एक्सरसाइजेस हम इसलिए करते हैं अपने वेट गेन के प्रोसेस में, ताकि हम जो खाते हैं पीते हैं वो, जब बॉडी, पता है ना आपकी बॉडी की मशीन जब चलेगी तो वो हेल्प करती है आपकी बॉडी को सेटल होने में। आप प्रोटीन इंटेक करोगे, वो आप जिस टाइप की एक्सरसाइज करते हो, लाइक हम बाइसेप्स मार रहे हैं तो हमारे बाइसेप जब पंप अप होते हैं ना, तो वो चीज़ें वहाँ पे आके लगती है। बट अगर हाँ आप अच्छे से अपना डाइट नहीं ले रहे हो, आप नहीं खा रहे हो, और आप चाहोगे कि आप एक्सरसाइज करते रहो दिन रात, तो आई एम सो सॉरी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इंस्टेड ऑफ गेनिंग आप वेट लॉस कर दोगे और ज़्यादा पतले हो जाओगे, ठीक है? तो वो अलग चीज़ है, बट बहुत ज़्यादा डाइट इज़ लाइक 80% 90% आपका डाइट ही होता है वेट के प्रोसेस में, लाइक आई टेल यू एवरी टाइम। सो आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई है। ऑल्सो अगर आप अभी मुझे देखो तो कोई कहेगा कि हाँ मैं अभी भी थोड़ी पतली हो गई हूँ, यस, लेकिन हाँ एक बार जब गेनिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो आप वो जो स्टार्टिंग लेवल होता है ना, वहाँ पे आप वापस कभी नहीं जाते हो, ठीक है? आप मिड में रह जाओगे, थोड़ा सा हो जाएगा। जब मैं रेगुलर डाइट अपनी छोड़ देती हूँ, लाइक छोड़ दिया मैंने ऑलमोस्ट, एंड काम वगैरह के वजह से, देयर इज अदर रीजंस आल्सो, सो उस वजह से, लेकिन मैं
जी जो फोटो आपको दिख रही है ना, यहाँ तक नहीं गई, नहीं गई। एंड ऑल्सो मैं कितनी भी डाइट छोड़ दूँ, कुछ हैबिट्स हमारे अंदर रह जाती हैं जिनको मैं नॉर्मली फॉलो करती हूँ, लाइक सुबह उठ कर पानी पीना, कुछ अलग सा अपना बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए लेना, फिर टाइम पे ब्रेकफास्ट लंच करना। तो ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, ये जो मार्केट में पाउडर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं ना गेनिंग वगैरह के लिए, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी उठा के खा लो और कुछ भी लेना शुरू करो, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ मत करना। घर का और लाइक एकदम फ्रेश और घर की चीज़ें ट्राई करो। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, ज़रूर फॉलो करना अगर आप अपना जर्नी शुरू करना चाहते हो तो। ओके, और हाँ, फास्ट फूड एकदम अवॉइड कर दो, जो मैं कह रही हूँ, जो मैंने दो तीन चीज़ें बताई है ना, दिस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। वाटर जितना हो सके उतना इंटेक करो, हाइड्रेशन जूस वगैरह भी इंटेक कर सकते हो, करो, अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। कोकोनट वाटर हो गया। ओवरऑल अच्छी डाइट लेने से आप बस वेट गेन नहीं करते हो, आपका ग्लो अप होता है, राइट, जो कि एक अच्छा सा ग्लो अप होता है, तो वो सब चाहिए। तो नेचुरल चीज़ें फॉलो करना शुरू कर दो। तो माय लवली फैमिली, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, हम फिर से शुरू कर रहे हैं एंड मैं अपने चैनल पे हर टाइप की वीडियोस डालती रहती हूँ, लाइक यू गाइज नो। सो जैसा आपको लगे डू शेयर योर फीडबैक, दैट हेल्प्स मी अ लॉट लॉट एंड लॉट। सो गाइज, जिम जाएंगे, उसके बाद हम आपको सारे डिटेल्स शेयर करेंगे अपना एक एक करके, रूटीन में क्या फॉलो कर रही क्या नहीं कर रही। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, ज़रूर फॉलो करना अगर आप अपना जर्नी शुरू करना चाहते हो तो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगले सीरीज में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड अच्छे रहो, हेल्दी रहो एंड ऑल द बेस्ट। बाय।